हे गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू वी माइंड्स। मैक ने नया अपडेट रिलीज़ किया है, मैक ओएस वेंचुरा, और ये सबसे बड़ा अपडेट है मैक का। एंड वेंचुरा 13.0 में काफ़ी सारे चेंजेस इम्प्रूवमेंट हुए हैं, तो इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप मैकबुक यूज़र हो तो इस वीडियो को गाइस पूरा देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से चैनल को गाइस सब्सक्राइब करो अलॉन्ग विथ बेल आइकन। रिसेंटली एप्पल ने रिलीज़ किया मैक ओएस वेंचुरा 13.0 एंड इन सारे मैकबुक में सपोर्ट है, आप देख सकते हो। एंड जो मेरे मैकबुक में अपडेट आया था मैकबुक एयर M1 2020 में अप्रॉक्स 12 GB का अपडेट था, तो काफ़ी एक्साइटेड फीचर्स चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। इस अपडेट में नया फीचर्स ऐड हुआ है स्टेज मैनेजर का, एंड बहुत ही एक्साइटेड फीचर्स है जिससे आपका यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, आप देख सकते हो। इसे आप सिंपली कंट्रोल सेंटर से आप अनेबल कर सकते हो। एंड इस फीचर्स को अनेबल करने के बाद जो आपके सारे ऐप्स आपने ओपन कर रखा है वो सारे लोकेट हो जाएंगे लेफ्ट साइड में विंडो के, एंड आप कुछ इस तरीके से एक्सेस कर पाओगे। एंड मिनिमाइज करोगे तो वन साइड लोकेट हो जाएगा लेफ्ट साइड में, एंड विंडो के ऊपर भी आप इन सारे टैप्स को एक्सेस कर पाओगे, अपने एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाओगे कुछ इस तरीके से, जिससे यूज़र एक्सपीरियंस एक नेक्स्ट लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो इम्प्रूवमेंट्स एंड चेंजेस हुए वो है सिस्टम सेटिंग्स को थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो सिस्टम सेटिंग्स को। और बहुत ही सही लगा गाइस, जो मैकबुक में या सॉरी आईपैड में जिस तरीके से सेटिंग्स देखने मिलता है या आईफोन में जिस तरीके से सेटिंग्स देखने मिलता है वो कुछ इस तरीके से हो गया है, देख सकते हो। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ का हो गया है, और यहाँ पे नए वॉलपेपर्स ऐड किए हैं इस वेंचुरा 13.0 अपडेट में, कुछ एक्साइटेड वॉलपेपर्स ऐड हुए हैं, वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यूनिक है। लाइट मोड पे अलग एंड डार्क मोड पे अलग व्यू आपको देखने मिलता है, और बहुत ही सही लगा मुझे वॉलपेपर, स्पेशली ये गोल्ड वाला वॉलपेपर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ करेंटली, और बहुत ही सही है गाइस वॉलपेपर, मतलब बहुत पसंद आया मुझे वॉलपेपर इन्होंने ऐड किया जो। और मैं प्रिफर करता हूँ डार्क मोड में यूज़ करने का, तो मैं डार्क मोड में यूज़ करता हूँ मेरे मैकबुक को। और यहाँ पे स्क्रीन सेवर के फीचर्स को ऐड किया है पहले वाले अपडेट्स में, मतलब वेंचुरा के पहले जो अपडेट था स्क्रीन सेवर का फीचर्स नहीं था, बट अभी स्क्रीन सेवर का फीचर्स देखने मिलता है, तो इसे आप ऐड कर सकते हो। और बहुत ही सही फीचर्स अपडेट हुआ है एप्पल ने लाया है, तो डेफिनेटली इसे भी आप ट्राई करो। स्क्रीन सेवर का फीचर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट अपडेट एक बहुत बड़ा अपडेट आप बोल सकते हो, और एप्पल इकोसिस्टम का एक पार्ट आप बोल सकते हो। अब गाइस, आप अपने मैकबुक में फेस टाइम में जो आप वेबकैम यूज़ करते हो अपने मैकबुक का, आप उसकी जगह आप अपने आईफोन का या अदर एप्पल डिवाइस का कैमरा यूज़ कर पाओगे अपने वेबकैम के जगह पे। आपको फेस टाइम ओपन करना है, वीडियो के ऑप्शन में आपको ऑप्शन देखने मिल जाएगा, आप स्विच कर सकते हो अपने अदर एप्पल डिवाइस पे, आईपैड या आईफोन पे, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने स्विच किया है मेरे आईपैड पे। एंड डेफिनेटली क्लैरिटी आपको बेटर देखने मिलेगा, क्योंकि जो आईफोन का कैमरा होता है वो मैक के वेबकैम के कंपेयर बहुत ज़्यादा बेटर होता है, एज यू नो गाइस। इस न्यू मैक ओएस वेंचुरा 13.0 में और भी कई सारे चेंजेस हुए हैं, क्विकली बताता हूँ गाइस। जैसे फोटोज़ में आप बैकग्राउंड को रिमूव करते थे अपने आईफोन में या आईपैड में, iOS 16 में ये फीचर्स आया था, सेम वेंचुरा 13.0 ने लाया है, आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो अपने मैकबुक में ईजली एंड क्विकली। आप किसी भी फोटो को एडिट करते हो, फिल्टर इफेक्ट डालते हो या उसमें कोई चेंजेस करते हो, तो वो सारे इफेक्ट आप किसी नए फोटो में डाल सकते हो एज इट इज़। एंड मेल एप्लीकेशन से एक चेंजेस आया है आईफोन का, जो एप्पल का जो मेल एप्लीकेशन है उससे आप किसी को मैसेज करते हो तो उस मैसेज को आप अंडू कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, या मैं कहूँ तो अनसेंड कर सकते हो उस मैसेज को। सेम चीज़ आप मैसेज ऐप में कर सकते हो, जो एप्पल का मैसेज ऐप होता है उसमें आप किसी भी मैसेज को सेंड करते हो उसे आप एडिट कर सकते हो, एंड मिस्टेक किया हुआ मैसेज को देख सकते हो, एंड उस मैसेज को अंडू कर सकते हो, अनसेंड कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स चेंजेस हुए हैं मैक ओएस वेंचुरा 13.0 में। होपफुली गाइस आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो डेफिनेटली गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा सपोर्ट करो गाइस ऐसे ही कंटेंट के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय गाइस।